आज हम अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे। ये पाठ हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, एक रिवाइज की तरह से हम वापस इसको पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे। जैसे आपने पहले भी पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में कि हम उसका परिचय दे रहे हैं। अभी तक आपने भूगोल पढ़ा था, एक नया विषय आपका ये भी जुड़ जाता है, भूगोल में अर्थशास्त्र जुड़ता है। अर्थशास्त्र होता है पैसे के बारे में किस तरह जानकारी हासिल करनी है उसके बारे में। तो ये अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में हम इसे इकोनॉमिक भी कहते हैं। तो आज हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र आपके लिए एक नया शब्द भी जुड़ जाता है और एक नया विषय भी जुड़ जाता है। तो जिस तरह हम अपने घर का संचालन करते हैं कि हम कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, आज की तारीख में हमारे कितने खर्चे हुए, कितने पैसे हमने बचाए, तो वो सब जो हम करते हैं वो सब हम आप यहाँ पे दिखाएंगे। जो हम पूरे घर का संचालन करते हैं कि हम महीने में कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उसको हम एक शब्द देते हैं, बजट। बजट शब्द देते हैं बच्चा। बजट से हम पूरे महीने का खर्च का अनुमानित खर्च निकालते हैं। अनुमानित मतलब लगभग हम कितना कमाते हैं और कितना खर्च करके हम अपना बचा लेते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। देखिए, जैसे आपकी पुस्तक में ये आकृति भी दी गई है यहाँ पर, और यहाँ स्क्रीन भी शेयर किया जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे बच्चा कि लगभग हमारी महीने की कमाई कितनी है, 20,000 है। ठीक है, अभी हमने अनुमानित खर्च कितना किया है इसमें, अनुमानित मतलब लगभग कितना खर्च किया है उसे हम कहते हैं। जैसे भोजन में कितना खर्च हुआ, कपड़ों में कितना खर्च हुआ, पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्च हुआ, दवाइयों में खर्च, मनोरंजन मतलब कहीं हम घूमने फिरने गए, मोबाइल का बिल कितना आया, महीने में कितनी हमने सब्जियां और फल वगैरह खरीदे हैं, और ट्रेवलिंग के लिए मतलब यातायात करने के लिए बस का भाड़ा, रेल का भाड़ा कितना लगा, महीने भर की बिजली का बिल कितना आया, बाहर कहीं जाना हुआ तो कितने पैसे खर्च हुए, बैंक का कर्जा कितना है, वो सब टोटल खर्चा लेके मतलब कुल खर्चा कितना हुआ है, 22,550 दिखाया है। और यहाँ पर हमारी लगभग अनुमानित जो है मासिक आय जो हमारी है वो 20,000 है। तो हम उस महीने हमारा अनुमानित से थोड़ा ज्यादा ही खर्चा हो गया, तो हम अगले महीने क्या करेंगे, थोड़ा और कम खर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो हो जाता है कि हम अनुमानित खर्च कितना करते हैं, जो अनुमानित महीने का आय और व्यय, आय और व्यय मतलब जितनी हम कमाते हैं वो, व्यय मतलब जितना हम खर्च करते हैं वो, तो इसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे घर का बजट हो गया। ठीक है बच्चे, कैसे कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने गांव, देश, घर सभी के बारे में अनुमानित बजट बनाते हैं कि हमारे कमाई कितनी है, हमारे लोग कितने हैं, कितना खर्च किया जा रहा है। ये सबको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ही अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है। अर्थशास्त्र बहुत पहले से था, जिस तरह परिवार का व्यवस्थापन मतलब परिवार की व्यवस्था नियमित रूप से सही चले कि हम कमाएंगे कितना, खर्च कितना करेंगे, उसी तरह से देश का, गांव का, राज्य का करने के लिए भी हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र की हमको जरूरत क्यों पड़ी। इसीलिए पड़ी कि जितनी हमको जरूरत होती है वो कहाँ से हम अपनी जरूरतों को पूरा करें। तो चलिए अभी अर्थशास्त्र के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं बच्चा। अर्थशास्त्र की जो नाम है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से आइकोनोमिया। देखो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है, आइकोनोमिया शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन, मतलब परिवार की व्यवस्था किस तरह से की जाए। आइकोनोमिया आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा बच्चा कि अर्थशास्त्र की कौन से शब्द से बना है, तो ये शब्द आपको बहुत ध्यान से देखना है, आइकोनोमिया शब्द से बना है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, भाषा से लिया गया है। इसके लिए हमें समय, पूंजी, श्रम, भूमि, संसाधन उचित पद्धति से कैसे हम उसका उपयोग करें, ये हमको अर्थशास्त्र के द्वारा समझता है। अर्थशास्त्र ही हमको समझाता है कि हमारे पास समय कितना है, पूंजी मतलब पैसे कितने हैं, श्रम मतलब हम कितने लोग मेहनत कर सकते हैं, किस जगह पर और किस साधनों का उपयोग करके हम पैसे कमा सकते हैं, और किस तरह हम जितना पैसा कमाएंगे उसके हिसाब से हमको खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो सब कुछ है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन चलाने के लिए
मतलब परिवार का जो आर्थिक व्यवस्थापन होता है वो चलाने के लिए है, उसी प्रकार हम गांव का व्यवस्थापन चलाएंगे, गांव थोड़ा बड़ा शहर, शहर का नगर, राज्य उससे बड़ा देश, देश से बड़ा पूरा विश्व। तो धीरे धीरे एक परिवार से शुरू हो जाता है, परिवार से गांव, गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश, और देश के बाद विश्व। मतलब इस तरह हम पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्थापन कैसा है इसका एक रूप बना सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से। मतलब हमारे पास कितनी जमीन है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितना हम काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी को इस्तेमाल करना और किस प्रकार करना है उसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उपक्रम बनाए जाते हैं, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है। तो अभी तो आपको सब बच्चों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिल गई बच्चे। आइकोनोमिया शब्द अर्थशास्त्र की भाषा से है, ये एकदम ध्यान में रखना। चलिए आगे हम चलते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो हमारे एडम स्मिथ, एडम नाम याद रखना बच्चा सभी लोग, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में, 1776 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था राष्ट्र की संपत्ति। राष्ट्र की संपत्ति जो उनकी बुक का नाम है बच्चा, और उसमें उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र है वो एक संपत्ति का शास्त्र है। अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, संपत्ति मतलब हमारे पास कितना धन है, ठीक है। संपत्ति क्या होती है, हमारे पास धन कितना, पैसा कितना है, जमीन कितनी है, खेत कितने हैं, जो पूरा सब कुछ आपके पास जो आपके धन होता है, आपकी संपत्ति होती है, पैसा, जमीन, जो खर्च के लिए आप इस्तेमाल करते हो, जो आपके परिवार के लिए इस्तेमाल होती है, वो सब। तो उन्होंने ये सब अपनी पुस्तक में बताया है कि वो राष्ट्र की संपत्ति एक बुक उन्होंने लिखी है, और उसमें बुक में उन्होंने बताया है अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र होता है, ये परिभाषा दी गई है। एडम स्मिथ का जो परिभाषा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए और रखना भी है, ये एग्जाम में भी आता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद दूसरी परिभाषा जो दी है लियोनेन ने दी है, दूसरा नाम है लियोनेल। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हमारी असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकता मतलब हमको देखो ये मन में होता है कि हमको ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है, तो बहुत सारी हमारे मन में जिज्ञासाएं आती है। तो जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं वो सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने का जो मानवीय प्रयत्न है उसका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र कहा गया है। देखो इंसान की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं लेकिन सभी पॉसिबल नहीं होती है, सीमित और दुर्लभ, मतलब सीमित मतलब कम, दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल है। पर्यायी जो हमारे पास साधन है, जो हमारे पास है, उसके द्वारा जब हम अपने मानवीय प्रयत्नों से प्रयत्न करके, मानवीय मतलब मनुष्य द्वारा प्रयत्न करके जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो अर्थशास्त्र है। तो ये परिभाषा किसने दी है, लियोनेल ने। पहली परिभाषा आपने देखो रेड में दिया गया है वो एडम स्मिथ ने दी है, जो नीले में दिया है वो लियोनेल ने बताया है। दोनों ही परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद करनी है बच्चा और ध्यान में भी रखना है, ठीक है बच्चे। और आगे देखेंगे हम अर्थव्यवस्था को कितने प्रकारों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में बांटा गया है, जिस तरह भौगोलिक दृष्टि से हम अपना उत्पादन कितना करते हैं, वितरण कितना करते हैं, कितनी सेवाओं की हमको जरूरत है, वो सभी को किस प्रकार से वितरण किया गया है वो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार से हम जानेंगे। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार से बांटा गया है, पूरे विश्व में बच्चा, सिर्फ हमारे देश में, हमारे घर की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की। पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, उसको हमने कितने भागों में बांटा है, तीन भाग है उसके। पहला आता है पूंजीवाद, दूसरा आता है समाजवादी, तीसरा आता है मिश्र अर्थव्यवस्था। तो ये तीन अलग अलग विभाग हैं, तीन अलग अलग प्रकारों के अनुसार उन्होंने बांटा गया है, क्योंकि विश्व में देखो सभी संपन्न नहीं है, सभी गरीब नहीं है, इसके लिए दोनों ही तीनों ही तरीकों में रखा गया है। बहुत संपन्न रखा गया है, बहुत मिडल वाले भी रखे गए हैं, और जो दोनों को चलाते हैं वो भी रखे गए हैं। तो
सबसे पहले बच्चा हम यहाँ पर ध्यान देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिए बच्चा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन जो दोनों है निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। मतलब एक पर्सनल, एक ही व्यक्ति का, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था मतलब पैसे वाली, बहुत पूंजी है उनके पास, पूंजी मतलब पैसा, कितना उत्पादन करना चाहिए वो सब और किस तरह व्यवस्था करनी चाहिए, एक ही व्यक्ति निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, मतलब वही स्वामी होता है। उसका उद्देश्य क्या होगा, जब एक ही आदमी पैसा लगाएगा तो क्या चाहेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, लाभ कमाए, इसीलिए ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था हमारे विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। तो आदि देश भी हैं इसमें, तो मोस्टली हम यहाँ पर बड़े देशों का नाम ले रहे हैं, जैसे है जर्मनी, जापान और अमेरिका, ये देशों में पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है। उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है कि समाज को लेकर चलते हैं, समाज में रहते हुए समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाता है जो सभी लोगों का फायदा हो, ठीक है। यहाँ पे इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, मतलब जिस देश की सरकार होगी वो पूरा देखेगी कि किस तरह उत्पादन करना है, किस क्या कब कहाँ करना है, कौन सी जगह पर करना है, किस समय करना है, ये पूरा स्वामित्व किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। इसमें निजी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, पर्सनल कोई नहीं कर सकता, सब कुछ कौन करेगा, सरकार के हाथ में होगा, सरकार करेगी। और सरकार किसके बारे में सोचेगी, पूरे देश के बारे में सोचेगी। तो जहाँ जो देश में इस समाजवादी व्यवस्था होती है उस देश की सरकार इसका संचालन करती है। पहला जो हमने पढ़ा था वो पूंजीवादी था, मतलब एक निजी व्यक्ति, दूसरा हम पढ़ रहे हैं समाजवादी, इसमें कैसा है, सरकार देखती है कि समाज कल्याण के लिए क्या फायदे हो सकते हैं और पूरा सरकार के हाथ में रहता है कि उनको क्या उत्पादन करना है, कब करना है, कितनी लागत आएगी, कितनी सेवा दे सकते हैं वो सब। तो ये मुख्य रूप से चीन, रूस आदि देशों में है, और भी देशों में है ये, आप लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें चीन और रूस जैसे बड़े देशों में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई है। उसी प्रकार हम तीसरा जो देखेंगे, जो तीसरी अर्थव्यवस्था है यहाँ पर चल रही है वो है मिश्र अर्थव्यवस्था। मिश्र अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, देखें आप स्क्रीन में देखेंगे बच्चा कि यहाँ पर यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, मतलब सभी के लिए, और पर्सनल, निजी मतलब पर्सनल, मतलब जो पूंजीवादी लोग हैं वो लोग भी, मतलब पूंजीवादी जो पैसा है जिनके पास अधिक है। यहाँ पर हमारे देश में देखो कुछ बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ठीक है, उनके पास पैसे अधिक हैं, तो वो लोग जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करती है, और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो और समाज कल्याण के लिए सरकार क्या काम करती है, देखो बीच में हमारे यहाँ मेक इन इंडिया चल रहा था कि छोटे छोटे लोग, छोटे उद्योग धंधे वाले लोग क्या क्या काम करते हैं, तो उन सब का कल्याण करने के लिए सामाजिक कल्याण के साथ, और जो पर्सनल जो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं वो अपनी लागत लगाकर अपने फायदे के हिसाब से लागत लगाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, वो काम करते हैं। तो दोनों का सह संबंध होता है, दोनों का सह संबंध होता है, सरकार का भी और सार्वजनिक और व्यक्तिगत लोगों का भी इसमें काम होता है। तो यहाँ पर भारत में भारत, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम किसे कहा गया है, इंग्लैंड को, ठीक है बच्चा, ऐसे देशों में यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई है। तो इस अर्थव्यवस्था का लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों को होता है, मतलब समाज के कल्याण के लिए भी, सरकार द्वारा भी, और जो निजी व्यक्ति है उनको भी। तो अर्थव्यवस्था में यहाँ हमने तीन प्रकार पढ़े बच्चा, तीन प्रकार में कौन कौन से थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रवादी अर्थव्यवस्था। पहला हमने पढ़ा था इसमें निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता, समाजवादी में हमने पढ़ा था सरकार का हस्तक्षेप होता है, मिश्र में हमने पढ़ा निजी और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है, और भारत हमारा किसमें आता है, मिश्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आता है। तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे विश्व में चलती है। तो पूंजीवादी जर्मनी, जापान, अमेरिका में है, और भी देश इसमें है, समाजवादी है चीन और रूस में, मिश्र हमारा है, अर्थव्यवस्था है भारत, स्वीडन और इंग्लैंड, इसमें पाई जाती है।
तो ये अर्थव्यवस्था पूरे विश्व को कंट्रोल में करती है कि कितना उत्पादन हुआ है, कहाँ क्या है। तो पूरे विश्व में इनका व्यापार होता है, व्यापार होता है, अर्थव्यवस्था भी किस प्रकार से चलाई जाती है इसका निश्चित किया जाता है। इसके बाद बच्चा हम देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ ध्यान देना है बच्चा सभी आपको, यहाँ देखोगे कि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान मतलब समाज के साथ हम चलते हैं। जब तक हम समाज के साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था बराबर से नहीं रह सकती है। सबसे पहला चित्र आप देखोगे उसमें कि भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मतलब अब हम यहाँ देखेंगे सिर्फ हमारे भारत के हिसाब से, ठीक है? ये पूरा चित्र अभी हम विश्व के नहीं अपने से भारत के हिसाब से देखते हैं, ठीक है? पूरे चित्र में अब सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन। तो भारत के हिसाब से हमारे पास कितनी पूरी भूमि है, कितने यहाँ पर कौन कौन से साधन हमको प्रकृति के रूप से, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के अनुसार हमको कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, ठीक है? तो प्रकृति से हमको पानी मिल जाता है, पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, ये सब हमारे पास जो है वो प्रकृति से हमको मिले हैं। भौगोलिक रूप से हमारी भूमि कितनी है हमारे पास, हाँ, जिसपे हम काम कर सकते हैं वो सब, ये प्रकृति के अनुसार है, ठीक है? दूसरा है यहाँ पे राजकीय सार्वभौमत्व, मतलब यहाँ पर सरकार द्वारा क्या क्या हस्तक्षेप है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं उसमें। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है जनसंख्या। देखो अभी एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं उनके हिसाब से उनके परिवार का संचालन होता है। अभी हमारे देश में हमारी जनसंख्या कितनी है तो हमको उसके हिसाब से उत्पादन करना होगा, उसका संचालन करना होगा, ठीक है? तो हम अपने भारत देश के अनुसार इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, हमारे भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए हैं, क्या क्या नियम के अनुसार हम काम कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं व्यवसाय की तरफ बच्चा। हमारे यहाँ पर व्यवसाय को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय, तीन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यवसाय मतलब जो जो हम काम करते हैं, खेती भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, ठीक है? कहीं मिल में मजदूरी भी करते हैं, कहीं अपनी ही जगह पर हम अपना व्यवसाय चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं, कहीं हम दूसरों के अंडर में मतलब जॉब करते हैं, जैसे पोस्टमैन का जॉब हो गया, ऑफिस का जॉब हो गया। तो ये जो भी है ये सब व्यवसाय जो है वो बिजनेस मतलब काम करने के अनुसार है। तो हम जो काम करते हैं ये पूरी जो है हमारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। तो ये कैसे हमारे कि हमने किस नियम के अंतर्गत काम किया, कितनी हमारी जनसंख्या है, कितना हमारे से क्षेत्र प्राप्त है और कितने लोग हमारे व्यवसाय क्षेत्र में जुड़े हैं, कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं, और तीनों व्यवसाय लेना है हमको, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय। कि हम अपनी जमीन पे काम करते हैं तो खेती हो गया, हम किसी दूसरे के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, हाँ। और तीसरा ये हो जाता है कि हम और क्या क्या, जैसे यहाँ पर देखो पोस्टमैन हो गया, डॉक्टर हो गए, वो भी अपनी सेवाएं देते हैं ना, हाँ, डॉक्टर हो गए। यहाँ पे टीचर्स भी दिखाए गए हैं जो जो अपनी सेवा देते हैं वो भी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं बच्चे। तो ये सब के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार चल सकती है, तो ये सबसे मेन है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मतलब एक देश का संचालन करने के लिए ये प्रमुख विशेषताएं हमें बहुत जरूरी हैं कि हम इस पे देख सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों है बेटा? क्योंकि वो पूरे समाज को लेकर चलते हैं, ठीक है? जिस तरह भी हमने इस आकृति में ध्यान दिया था कि जनसंख्या, सरकार और व्यवसाय और हमारे प्राकृतिक संसाधन, तो इन सबको लेके चलने की जो है उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर विविध व्यवसाय, वित्त आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में भी अर्थशास्त्र को बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है।
देखो व्यवसाय अभी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बिजनेस हो गए, बहुत सारी नौकरियां हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे काम जैसे खेती करना, पशुपालन करना, दूध बेचना, हाँ मिल में मजदूरी करना, ऑफिस में जॉब करना, बैंक में जॉब करना, और फिर टीचर्स की जॉब करना, डॉक्टर की सेवा देना, और कोर्ट का, तो जो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। वित्त आपूर्ति, पता है ये सब कैसे हैं? वित्त मतलब पैसा, वित्त मतलब क्या होता है? पैसा, उसकी आपूर्ति मतलब उसकी पूर्ति हम कैसे करें, वो हो गया। प्रशासन, प्रशासन मतलब कानून की व्यवस्था, सरकार क्या कानून लगाती है। उसी प्रकार हमें दैनिक क्षेत्र में, दैनिक मतलब रोजाना जो क्षेत्र में हम, इसके लिए हम इन सब क्षेत्रों में अर्थशास्त्र की बहुत उपयोगिता होती है। अतः अर्थशास्त्र के बिना हम यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है, जिस तरह अभी हमने पहले बताया था ना कि आपकी जरूरत कितनी है, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो, कितना बचा रहे हो, या जरूरत से ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, वो सब के लिए अर्थशास्त्र की जरूरत बहुत बड़ी होती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, मानव जीवन के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान। मतलब एक मनुष्य के समाज में विकास करने के लिए अर्थशास्त्र का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा क्यों होता है? क्योंकि जब तक समाज नहीं विकास करेगा, तब तक मानव का विकास नहीं होगा, मानव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होता। क्योंकि एक मानव के विकास के साथ उसके समाज, समाज के साथ उसका तो राज्य, राज्य के साथ उसका देश जुड़ा होता है। और हर देश के विकास के लिए मानव का विकास होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर मानव के विकास से संबंधित बताया गया है बच्चा, कि मानव का विकास यहाँ बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, वित्त आपूर्ति किस प्रकार होती है और मानव का विकास कहाँ जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपके लिए एक नया शब्द है, ठीक है। तो थोड़ा हम ये देख के डर जाते हैं कि वैश्वीकरण हम किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखो कि वैश्वीकरण मतलब, सब आप यहाँ जानोगे कि विश्व के साथ अर्थव्यवस्था करना, ठीक है। विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हमको जुड़ना है, ठीक है। अभी तक हमने देश तक देखा था, समाज तक देखा था, घर तक देखा था, ठीक है। अब हम कहाँ जुड़ रहे हैं? विश्व के साथ। तो विश्व के साथ तो हम नहीं जुड़ सकते, हमारा देश जुड़ेगा, अलग अलग देश जुड़ेंगे। जब देश प्रगति करेगा तभी हम वो विश्व के अन्य देशों के साथ ही प्रगति कर सकता है, ठीक है। अन्य देशों के साथ प्रगति करना, उनके साथ जब तक वो जुड़ेंगे नहीं तो प्रगति कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ वैश्वीकरण, यहाँ शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। वैश्विक देशों की वर्तमान आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर लेके जा रही हैं। विश्व अर्थव्यवस्था को निर्मिति को वैश्वीकरण कहते हैं। यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जहाँ निर्मित की जाती है वहाँ, उसे ही शब्द को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में वर्तमान समय में हमारी आर्थिक नीति क्या है, मतलब वर्तमान मतलब जो हमारा प्रेजेंट समय जो चल रहा है उसमें हम किस किस नीतियों का के साथ अपने बिजनेस चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हम अपने देश के साथ और विदेशों के साथ भी। तो जो व्यवस्था चली आती है कि पूरे विश्व में किस प्रकार हम जुड़ते हैं, उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के समान बनाना। मतलब कि वहां पर दोनों का तालमेल बैठ सके, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ। इसके अंतर्गत क्या जरूरी है? प्राकृतिक साधन संपत्ति, मतलब प्रकृति के अनुसार हमारे पास कौन कौन से साधन और संपत्ति हैं, हम कौन सी लाभ दे सकते हैं, कौन सी सेवाएं दे सकते हैं, हम कितना निवेश कर सकते हैं, निवेश मतलब हम कितना पैसा लगा सकते हैं, श्रम देना मतलब मजदूरी करना, ठीक है। कितना हम अपना श्रम दे सकते हैं, आधुनिक तकनीकी मतलब कितनी हम आधुनिक तरीके से उसमें तकनीकी तौर पर मशीनीकरण के द्वारा अपने देश का सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब धारा जो है स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर लेके जाया जा सकता है। यहाँ कैसे है बच्चा? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? देश की विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। तो विश्व की अर्थव्यवस्था हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेके जाएंगे, उसके साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए?
प्राकृतिक संसाधन, लाभ सेवा, ये सब को हमको अपने देश से बाहर, देश की सीमा से बाहर, मतलब विदेशों से हमको जुड़ना है। हम अपनी संपत्ति लेके जा सकते हैं, अपने क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं, हम अपने कौन से मजदूर वहां दे सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के अनुसार हम काम कर सकते हैं, ये सब विश्व से जुड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। वैश्वीकरण में मुक्त व्यापार को तीसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण में मुक्त व्यापार होता है, मतलब इसमें बंधन होगा तो देश विदेशों के साथ जुड़ नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए वैश्वीकरण जब किया जाता है, वैश्वीकरण के अंतर्गत एक नियम बनाए जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है या जो व्यापारी है वो देश के बाहर या देश आपस में जुड़ सकते हैं, तो देश का अलग अलग नियम होता है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं और वो उसमें निवेश भी कर सकते हैं। निवेश करने के जो बंधन होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको निकाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सबके लिए एक नियमित रूल्स रहेंगे तो लोग निवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए निवेश करने के जो रूल्स होते हैं वो वहां से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम अपने देश तक नियम लागू रखते हैं, लेकिन जब हमको विदेशों में व्यापार करना होता है तो उसके लिए ये नियम निकाल दिया जाता है। तो वैश्वीकरण में मुक्त व्यापार होता है, मतलब जो नियम है वो थोड़े कम कर दिए जाए, निवेश में संबंधित जो नियम है मतलब पैसे लगाने के, वो बंधन निकाल दिए जाते हैं। तो ये वैश्वीकरण के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम विदेशों में भी व्यापार कर सकें। तो अभी आपको वैश्वीकरण का समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, हाँ, कि इसमें क्या होता है कि विश्व के साथ व्यापार करना, इसमें सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती है, कुछ निजी व्यक्ति भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, ठीक है बच्चा। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कार्य। अर्थव्यवस्था में जो है प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। देखो जैसे अभी हम अपने देश के आसपास के देश ही ले लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ हो गया पाकिस्तान, भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बर्मा है, आप आसपास के देख लो, क्योंकि सब देश की जो जनसंख्या होती है उनके अनुसार वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं कि कितनी जनसंख्या है, कितनी उनको जरूरत है, कितनी उनको उत्पादन करना है, ये सब के लिए। तो अर्थव्यवस्था के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि उनको देश की प्रगति करना है, इसीलिए वो अर्थव्यवस्था में कुछ नियम बनाते हैं। प्रगति करना है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, तो अपना इन्वेस्टमेंट जितनी अच्छी तरीके से वो संचालन के रूप में कर सकेंगे उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है। जब देश का प्रॉफिट होगा तो आगे विश्व में प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कैसा होता है, पहले समाज के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए, ठीक है, फिर देश से हम विश्व के लिए। तो इस तरह हमारे से क्या हो जाता है, विश्व देश में भी सहयोग होता है और विश्व में भी सहयोग होता है। इसीलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य निश्चित किए गए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चे। तो अर्थव्यवस्था के कार्य के लिए प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। तो बहुत विश्व में देखो इतने सारे देश हैं, लेकिन हम किसी की भी कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां ऐसा होता है इसलिए यहाँ भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन सबकी भौगोलिक स्थिति अलग है, क्षेत्र अलग है, जनसंख्या अलग है, ठीक है, और वहां पे रोजगार, जैसे अभी हमारे भारत में युवा वर्ग ज्यादा है तो यहाँ पर हमको श्रम ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर किस देश में जो है वो वृद्ध लोग ज्यादा हैं तो वहां पे श्रम कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें आ जाती है वो अर्थव्यवस्था पर बहुत नियंत्रण कर सकते हैं जिसके द्वारा। तो अभी भारत में हमारे कैसे हैं कि युवा वर्ग ज्यादा है तो हमको श्रम अधिक मिल सकता है, जनसंख्या अधिक है तो हमारी लागत जो यहाँ पर हमारा खर्चा है, जो सेवाएं हैं वो ज्यादा लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि यह निर्णय लेना कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, तो ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आता है कि ये निर्णय लेना कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, मतलब हमको जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है हम सबसे पहले वही सामान लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था में भी वैसी है, जिसकी सबसे ज्यादा हमको आवश्यकता होती है उसका उत्पादन किया जाता है। जैसे अभी आपको मालूम हो कि भारत एक
हरित क्रांति का देश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है, तो हम सबसे ज्यादा किस पर बल देते हैं, अनाज पर, ठीक है, कितना उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि सब अभी जनसंख्या भी हमारी ज्यादा है, ये सब का नियंत्रण करना, फिर उसके बाद हमारा व्यवसाय भी अधिक है, तो व्यवसाय के अनुसार किस चीज का उत्पादन करना है, वो सब के बारे में जो निर्णय लिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार लिया जाता है, ठीक है। उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, मतलब जो आप उत्पादन कर रहे हो कम से कम लागत लगे, लागत मतलब जितनी आप पूंजी लगा रहे हो वो कम से कम लगे, और अधिक से अधिक अच्छी बचत भी आप कर सको, और अधिक से अधिक आप लागत का कम लगाकर उसका उत्पादन अधिक से अधिक कर सको, तो उत्पादन लागत, लागत मतलब जो हम पैसा खर्च करते हैं वो, और उसमें जो हम बचा सकते हैं वो बचत करना, तो उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। राष्ट्रीय आय मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय होती, मतलब पूरे देश की जो आय होती है, हाँ, अभी हर एक व्यक्ति के लिए जो जैसे जनसंख्या के अनुसार हम बांटेंगे तो प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति के लिए आय कितनी है वो देखते हैं, ठीक है, तो राष्ट्र की आय कितनी है, राष्ट्र में कितनी आय है, और एक एक व्यक्ति के लिए कितनी आय रख, नेचुरल है यहाँ पर, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि हमारी जनसंख्या अधिक है तो हर एक व्यक्ति की जो आय है वो कम होगी, क्योंकि हमारे विश्व की जन, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, भारत दूसरे नंबर पे जनसंख्या के अनुसार आता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय भी है वो कम है, तो लेकिन हम पूरे अर्थव्यवस्था के अनुसार देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक वितरण करना, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय आय है वो न्याय के अनुसार, न्याय मतलब कोई अमीर और गरीब का नहीं हम देखेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए कितनी आय सुरक्षित रखी जा सकती है वो देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक मतलब समाज का भी कल्याण हो, और आर्थिक रूप से हम कितना प्रति व्यक्ति आय बांट सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, मतलब हम भविष्य में, अभी देखो आज भी हम जो कमाते हैं उसमें से थोड़ी बचत हम क्यों रखते हैं, बचत इसलिए रखते हैं कि हम कभी हमको अचानक किसी चीज की आवश्यकता हो जाती है, या घर में कोई बीमार हो जाता है, या कोई नया काम हम करने की सोचते हैं, हाँ, तो इन फ्यूचर हमको आगे के लिए क्या करना है उसके लिए भी हमको पैसे की जरूरत होती है, तो इन आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमको उपाय ढूंढ कर रखना है, अलग अलग आइडिया ढूंढ कर रखना है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में हम ये बिजनेस करने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए, कुछ मशीन लगाना है, ये चाहिए, हर जरूरत के लिए पैसे की लागत बहुत जरूरी है, ठीक है, पैसे की लागत जरूरी है, इसलिए हमको बचत करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब पैसे की इनकम कहाँ से हम अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं, उसके लिए हमको अलग अलग आइडिया भी सोच कर रखना है, ठीक है, उत्पादन किसके लिए करना है और इस संदर्भ में निर्णय लेना, ठीक है, उत्पादन किसके लिए करना है, जो भी आप करते हो, जो भी आप उत्पादन करते हो, ठीक है, देखो जैसे अभी यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, सबको कंप्यूटर की, लैपटॉप की, फोन की आवश्यकता, एंड्रॉइड फोन की आवश्यकता हो गई थी, ठीक है, तो उस समय उसकी मांग ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई थी उस समय, तो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से कैसे किए कि हम जिनको संभव हो सका उन्होंने लैपटॉप लिया, जिसको संभव हो सका उन्होंने फोन लिया, ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि हमारी आवश्यकता थी, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के हिसाब से वो काम किए, ठीक है, तो उस समय कंपनियों ने क्या किया था, बहुत सारी कंपनियों ने अपना डेटा सस्ता कर दिया था, कुछ ऑफर दे रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि फोन सस्ते में दे रहे थे, कुछ लोग ये कर रहे थे कि ईएमआई पर मतलब किस्त में फोन सेल कर रहे थे, तो उससे क्या हुई, उनकी इनकम बढ़ी, उनका जो उन्होंने उत्पाद जो सामान बनाया था, जो उन्होंने सामान बनाया था वो उसका जो बिक्री बढ़ी, बिक्री बढ़ने से क्या बढ़ी, देश की आय बढ़ गई, ठीक है, तो ये सब सिचुएशन के हिसाब से हुआ, ठीक
किस समय समय के अनुसार उन्होंने अपना सब कुछ आगे बढ़ा लिया था। तो ये सब काम हो गए थे। ठीक है बच्चे, तो ये था कि हमने किस समझ के अनुसार काम किया था। तो ये तो था कि हम हर देश ने अलग अलग लोगों ने किस सिचुएशन के हिसाब से काम किया था। तो कभी कभी हो जाता है कि कितना उत्पादन करना चाहिए इस में निर्णय लेना। ठीक है बच्चा, तो अभी तक आपको यहाँ तक ही देखना है कि कितनी असीमित हमारी आवश्यकताएं रहती हैं। हम सीमित साधनों, मतलब जो हमारे पास इतने सीमित साधन होते हैं उसके बीच तालमेल बनाकर, मतलब जितनी हमें जरूरत होती है, हाँ हमारी देखो आवश्यकताएं कभी कम नहीं होंगी, एक के बाद एक आवश्यकता बढ़ती जाती है, लेकिन साधन तो सीमित होते हैं कि हमको इतने में ही करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीमित साधनों के बीच तालमेल बिठाकर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तालमेल बिठाते हैं उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो अभी आपने समझ लिया। तो यहाँ पर अभी हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चा। पहले आप ध्यान दो, यहाँ पर एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर देखो अर्थशास्त्र का परिचय, सबसे पहले हमने ये देखा था, फिर उसके बाद हमने बताया था कि अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहले हम अपने परिवार का व्यवस्थापन करते हैं। ठीक है बच्चे, परिवार का व्यवस्थापन कैसे करते हैं कि जितना हम कमाते हैं महीने में हम अपना बजट बनाते हैं कि कितना हमने खर्च किया, कितना बचाया। अगर जितनी हमारी इनकम होती है, जितनी हमारी आय होती है उससे ज्यादा खर्च हो गया, तो अगले महीने में हम फिर से अपने जो हमारा खर्च है उसको सीमित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसे हम कैसे कहते हैं, ये मंथली बजट हो गया, कैसे मासिक बजट हो गया। हम उसके बाद हम मासिक से आगे हम ईयरली बजट भी बना सकते हैं, फिर बहुत आगे आते हैं। ये जैसे हम अपने परिवार का व्यवस्थापन करते हैं उसी प्रकार हम अपने देश का भी व्यवस्थापन कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि परिवार का जो व्यवस्थापन किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र कहा गया है। तो अर्थशास्त्र परिवार के व्यवस्थापन के साथ देश का, देश के साथ विश्व का जो व्यवस्थापन किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। अर्थशास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसको कौन सा शब्द से जाना जाता है, आइकोनोमिया, आइकोनोमियन शब्द से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से पढ़ लेना। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें समय, पूंजी, श्रम, भूमि और साधन का किस प्रकार हम उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम जिस तरह हम अपने परिवार का व्यवस्थापन करते हैं उसी प्रकार अपने देश, गांव और विश्व का भी व्यवस्थापन तैयार कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हर देश का जो जनसंख्या होती है, उत्पादन लागत होती है, वो सब अलग अलग होती है। उन सबको नियंत्रण करने के लिए हमको अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। दो हमारे अर्थशास्त्री हैं जिनकी परिभाषा आपकी बुक में दी गई है। दोनों की परिभाषा आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, सभी बच्चों को याद भी करना है इसे। एडम स्मिथ के अनुसार उन्होंने बताया है, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, राष्ट्र की संपत्ति पुस्तक में उन्होंने लिखा है, अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, ध्यान देना बच्चा। उसके बाद लियोनेल ने बताया था असीमित आवश्यकताओं और सीमित दुर्लभ और पर्याय साधनों के अनुसार हम अपनी मानवीय प्रयत्न द्वारा हम अपनी जो आवश्यकता है किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं उसके बारे में। तो एक एडम स्मिथ के अनुसार और लियोनेल के अनुसार दो परिभाषाएं दी गई हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमने आपको बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो निजी व्यक्ति के हाथ में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में, मिश्रवादी सरकार और निजी दोनों के हाथों में होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जो हैं वो हमारी भौगोलिक परिस्थिति, सरकार, व्यवसाय और हमारी जनसंख्या पर निर्भर करती है कि हम किस तरह अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको ये बताया गया था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है बच्चा, तो इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था क्या 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 कार्य करती है, कि किस प्रकार उनको कितना उत्पादन करना है, कितना बचाना है, राष्ट्रीय आय कितनी है, भविष्य में कौन कौन से वो कार्य कर सकते हैं इसके बारे में, और उत्पादन किसके लिए करना है इसके बारे में उन्होंने बताया था। फिर
इसके पहले हमने पढ़ा था विश्व के साथ हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह जुड़ती है। देखो पहले तो हमने बताया था कि परिवार परिवार से हाँ राज्य राज्य से देश देश से विश्व, तो देश और विश्व से अलग, विश्व में देखो पूरे बहुत अलग अलग देश आ जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था सबकी अलग अलग होती है। किस तरह हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह हम विश्व में आगे बढ़ सकते हैं, हम और किस प्रकार हमको मुक्त व्यापार करना पड़ता है, उसमें कोई बंधन नहीं होता है, किस प्रकार हम निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता है बच्चा। अभी आपको जिन बच्चों को प्रश्न पूछना है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा, कुछ भी जो आपको प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चा बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, देखिए बच्चा अर्थशास्त्र का ये आपका पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, इस पे बहुत ध्यान देना है। आगे आगे आपके चैप्टर में आगे जो चैप्टर हैं वो भी इसमें जुड़े हुए रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसमें आपको देखना है कि किस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता, जैसे आपकी अपनी एक लिमिट की आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हो, तो किस चीज की आवश्यकता होती है, किस चीज के लिए आप इस साधन का उपयोग करके अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने देश में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपसे अपना ये ध्यान देना है कि आपकी आय कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है, और कितनी लिमिट आवश्यकताओं में आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अर्थव्यवस्था के बारे में जाने समझें। ठीक है बच्चे, तो इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर आप दोनों जो आपके बुक में दिए गए हैं, यहाँ पर एडम स्मिथ और लियोलिन के अनुसार दोनों परिभाषाएं आपको याद करनी है, और जो आइकोनोमिया शब्द दिया गया है उसकी स्पेलिंग याद करनी है।